दोस्तों, इस दीपावली में अगर आप अपने घर को दूसरों से थोड़ा अलग सजाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लेके आया हूँ लेक्सटन ब्रांड का ये डेकोरेटिव लाइट, जो कि यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ आती है। अर्थात इसे आप एक पावर बैंक से या फिर एक एडाप्टर से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये साथ में आपको 5 मीटर या फिर 10 मीटर के लेंथ में मिल जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको वाइट लाइट नहीं, एक वार्म लाइट मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू लेंगे और जानेंगे कि इसे खरीदना वर्थ होगा या नहीं। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डेकोरेटिव लाइट को मैंने अमेजोन से परचेज किया था। इसे आप देख सकते हो, लेक्सटन ब्रांड की 5 मीटर लेंथ वाली डेकोरेटिव लाइट को मैंने परचेज किया था, और इसे मैंने 22 सितंबर को परचेज किया था। हाँ दोस्तों, ये अराउंड 1 मंथ हो गया है, मैं लास्ट 1 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 3 बॉक्स आप देख सकते हो इसके परचेज किए थे, 2 को मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सही रिव्यू इसका दे सकूँ कि ये कैसा है और अभी ये तक ये फिलहाल कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, अभी भी 1 बॉक्स जिसे मैंने अनबॉक्स नहीं किया है, उसे मैं आपके सामने भी अनबॉक्स करूँगा और इसका पूरा डिटेल आपको बताऊँगा कि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस के साथ कैसे रहा है। दोस्तों, जहाँ तक प्राइस की बात है, 139 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज किया था और आज की डेट में ये 129 रुपीज़ में आपको मिल जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसके बॉक्स को हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये इसका बॉक्स है और यहाँ पर जो डिटेल्स लिखे हुए हैं मैं उसे आपको दिखला देता हूँ। तो नेम ऑफ द कमोडिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेक्सटन 5 मीटर कॉपर स्ट्रिंग लाइट और विथ USB 4 डेकोरेटिव वार्म लाइट। यहाँ पर इसका मंथ ऑफ ईयर ऑफ इंपोर्ट दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर का नहीं दिया हुआ है। MRP 499 लिखी हुई है और इंपोर्टेड बाय, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सचदेव इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों, यहाँ पर मैन्युफैक्चर का नाम नहीं दिया गया है, तो मे बी ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो इसे डेफिनेटली कहना ठीक नहीं होगा। तो आप बॉक्स के बाकी साइड में देख सकते हो, यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन अलग से मेंशन नहीं की गई है। यहाँ पर सामने में लेक्सटन की इसकी ब्रांडिंग की गई है, सेलिब्रेट मैजिक ऑफ लाइट। तो दोस्तों, इसके अलावा जो आप यहाँ पे आप में टेबल पे देख रहे हो, ये इसी ब्रांड की कॉर्क LED लाइट आती है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसके बॉक्स को हम लोग फटाफट खोल लेते हैं। सील को मैंने ऑलरेडी काट लिया है, तो इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये रही इसकी प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इसे बॉक्स को साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, इसके साथ एक आपको लीफलेट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइडियाज शेयर किए गए हैं कि आप इस लाइट को कैसे यूज़ कर सकते हो, चूँकि ये कुछ डिफरेंट लाइट है। ये वाला लाइट है जो कि हम लोगों ने ऑर्डर किया है, इसी ब्रांड का आपके ये लाइट्स भी मिल जाते हैं। बैक साइड में यहाँ पर आप लेक्सटन सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ लाइट, ये आ गया हमारा मेन लाइट। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ये एक USB टाइप लाइट है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पर इसका जो वायर है, इसे मैं आपको दिखला देता हूँ। तो सबसे पहले एक क्लोज लुक इसका वायर का ही हम लोग ले लेते हैं। मैं कैमरे के फ्लैश लाइट को भी ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जहाँ तक दोस्तों ये कह रहा है कि कॉपर वायर है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कॉपर वायर है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये एक एल्यूमिनियम वायर के जैसा लग रहा है, तो कॉपर वायर तो ये फर्स्ट साइट में मुझे नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ये कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, काम है मेरा इसका पर्पस, लाइट अगर इसका अच्छी तरह से काम करे और इसकी ब्राइटनेस सही हो तो दैट विल बी एनफ फॉर अस। दोस्तों, ये रहा हमारा पावर बैंक, इसे हम लोग कनेक्ट कर लिए। तो दोस्तों, कनेक्ट करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वार्म येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। करंटली दोस्तों, अभी मेरे इस रूम में 5 ट्यूबलाइट्स, 1 रिंग लाइट, 2 LED हेलोजन लाइट ऑन है। उसके बाद भी आप देख सकते हो इसका लाइट बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोग इसे पूरे खोलकर इस वायर को देखेंगे, प्लस मैं अपने रूम के सारे लाइट्स को भी ऑफ करके आपको दिखाऊंगा कि ये लाइट किस तरह परफॉर्म करता है। दोस्तों, इसे खोलना बहुत ही इजी है, जस्ट इसे हम फटाफट खोल लेते हैं।
दोस्तों मैंने इसे पूरी तरह से खोल लिया है और इसे मैंने इस माप कर भी देखा है, इसका जो मेजरमेंट था वो बिल्कुल 5 मीटर का ही आ रहा है। तो अब मैं इसे पावर बैंक से फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अपने रूम के जो लाइट्स हैं सारे लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों लाइट्स को ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो येलो लाइट, एक वार्म टोन लाइट है। और अगर मैं इसे नज़दीक से दिखाऊं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा वो एनफ है, और जो दो लाइट्स के बीच में जो गैप है दोस्तों वो ऑलमोस्ट आपका, आप देख सकते हो मेरे पाम का जो चौड़ाई है उससे आपका 5 फिंगर के अराउंड गैप का में ये लाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों अब इसकी लाइट्स को हम लोग ऑफ करके करीब से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका एक सिंगल एलईडी है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें दो वायर्स रन है स्टार्टिंग फ्रॉम, आप यहाँ से देख सकते हो यूएसबी के स्टार्टिंग से लेके दो वायर्स रन हुए हैं। और जो शुरू में जो दोस्तों यूएसबी का कनेक्शन है ये अराउंड इतना तक तो आपको सिर्फ केबल ही मिलता है, और उसके बाद से फिर इसकी वायरिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, और इस तरह से फिर ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ये एलईडीज लगा हुआ है। दोस्तों ये वाटरप्रूफ है, इसे आप चाहे तो बाहर में भी आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पावर बैंक या फिर अडेप्टर से ही इसे आपको पावर सप्लाई देना होगा। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर टेबल पे भी इसे यूएसबी ड्राइव से कनेक्ट करके वहाँ पर इसे पावर सप्लाई दे सकते हैं, और अपने कंप्यूटर टेबल को भी डेकोरेट कर सकते हो। वायर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये कॉपर वायर नहीं है, ये आई थिंक एल्यूमिनियम वायर है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल इनफ है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हो, ये किसी भी तरह का डैमेज ये नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गई इसकी कंप्लीट वायरिंग के बाद, अब इसे मैं किसी एक जगह पर लो लाइट एरिया में लगाकर आपको फाइनली दिखलाता हूँ। दोस्तों ये मेरा लिविंग रूम एरिया है, यहाँ पे मैंने अभी इसे अस्थायी रूप से आपको दिखाने के लिए लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे पावर बैंक से पावर सप्लाई दी है, और ये आप देख सकते हो अभी मेरी यहाँ का ट्यूबलाइट जो है वो ऑफ है। आप लेंथ वाइज देख सकते हो ये कितना लंबा है, और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप चाहे तो अपने इसे बैल्कनी में या फिर अपने प्लांट के ऊपर इसे अप्लाई करके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसे पावर बैंक से इसे पावर सप्लाई प्रोवाइड करके यहाँ पर इसे सजाया है कि जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हो। लास्ट 1 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ, ब्राइटनेस इसकी बहुत ही अच्छी है, वार्म लाइट येलो लाइट ये प्रोड्यूस करता है जो देखने में बहुत ही एलिगेंट एंड प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल रहेगा डिसीजन लेने के लिए कि आपको ये लाइट खरीदना है या नहीं।